तो दोस्तों हॉस्टल को बोल दिया बाय बाय और चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, नेक्स्ट स्टेट की तरफ। हाँ जी दोस्तों, भारत यात्रा की जो थर्ड डेस्टिनेशन है उस पर चलते हैं। तो दोस्तों हॉस्टल से निकल चुका हूं और अपनी जो बस है बस का वेट कर रहा हूं, जो कि है 11:30 बजे। हाँ जी दोस्तों, जो मैंने बस कर रखी है, मैंने कर नहीं रखी है, मैंने बस ले रखी है, ले भी नहीं रखी है, तो मैंने दोस्तों तो मैंने बस बुक की है। तो बस जो मेरी आएगी यहाँ पर आएगी वो 11:30 बजे आएगी और वहाँ पर 5:30 बजे मेरे को गोवा उतार देगी। तो दोस्तों अब 2-3 घंटे जो बाहर ही वेट करना पड़ेगा बस के लिए, क्योंकि जो मेरा रूम था वो 8 बजे तक का था, मैं 8 बजे तक मैंने लिया था, तो टाइम पूरा हो चुका, तो मैंने चेकआउट कर दिया है। तो दोस्तों अब 2-2.5 घंटे मैं बाहर ही वेट करता हूँ जितना मेरी बस आती है। तो बस तो दोस्तों मिलते हैं फिर गोवा। तो दोस्तों जाने से पहले एक बार फिर इसी होटल का खाना खा लेते हैं, जो जैसा कल खा था, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल ही अच्छा होटल और वो खाना भी एकदम लाजवाब है। तो दोस्तों सोचा कि जाने से पहले एक बार फिर क्यों ना इसी होटल का खाना खा लिया जाए। तो दोस्तों स्वागत है आपका भारत यात्रा की थर्ड डेस्टिनेशन गोवा में। हाँ जी दोस्तों, हम सुबह 6 बजे गोवा पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अभी गोवा का जो बस स्टैंड है, गोवा के बस स्टैंड पर हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, पर हम जो पणजी में गोवा की राजधानी है उसके अंदर आए हुए हैं और यहाँ पर देखते हैं कोई अच्छी हमें टूरिस्ट प्लेसेज मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर 2-3 चीज़ों के मैंने नाम सुने हैं, जैसे दो तो यहाँ पर चर्च बताई जा रही है और एक यहाँ पर राइस पोर्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों 2-3 चीज़ हैं जो कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो हमारी जो ट्रेन है वो मडगांव से ट्रेन है, तो मडगांव के लिए यहाँ से 12-1 बजे के आसपास, तो यहाँ से मडगांव के लिए निकल पड़ेंगे। प्लीज बताना। प्लीज बताता हूँ। तो दोस्तों हम जो ये नदी है, नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं चर्च पर जाने के लिए। तो यहाँ से चर्च का रास्ता है वो 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। तो दोस्तों हम सुबह सुबह पैदल ही चल रहे हैं, वॉक भी हो जाएगी और अपने जो टारगेट है चर्च का, तो टूरिस्ट प्लेस तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं पास में, पास से ही शॉर्टकट है, मैं आपसे देख कर रहा हूँ तो मैप मेरे को रास्ता बता रहा। तो दोस्तों मैंने मैप में देखा तो 1 से 1.5 किलोमीटर दूर था, तो मैंने सोचा मैं पैदल ही निकाल दूँगा। यहाँ पर दोस्तों आपको बाइक भी रेंट पर मिल जाएंगी, अगर आप बाइक नहीं लेना चाहो तो बाइक जैसे सवारी होती है बाइक, उस प्रकार से बाइक आपको मिल जाएगी, जो एक पर्सन को बिठा कर जहाँ पर भी जाओ तो आपको वहाँ पर छोड़ सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर टैक्सी भी है, बस भी है, स्पेशल टूरिस्ट प्लेस पर जाने के लिए भी यहाँ पर बहुत सी बस हैं। और जो बस स्टैंड है यहाँ का बहुत ही अजीब बस स्टैंड है दोस्तों, बहुत ही अच्छा कह सकते हो, अजीब नहीं कह सकते, तो क्योंकि वहाँ तो दोस्तों जो 5 तरफ रास्ते हैं, 5 तरफ बस स्टैंड है, 5 तरफ से किसी न किसी रूट की बस वहाँ से निकल रही है। Thank you.
तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो हम चर्च के अंदर पहुँच गए हैं। ये जो चर्च है गोवा के अंदर है, गोवा जो पंजिम जो गोवा की राजधानी है उसके अंदर है। दोस्तों आपको जो KDM बस स्टैंड है उससे कुछ एक दूरी पर चलना पड़ता है तो आप इस पर पहुँच जाओगे। तो दोस्तों जो पाम जी के अंदर चर्च है उसके अंदर आ चुके हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना की वजह से ये दोनों चर्च है जो अभी के लिए बंद है, तो आप इसके बाहर से इसके फोटो फाटो ले सकते हो, अंदर आप नहीं जा सकते, अंदर इसके लिए अभी अलाउड नहीं है। तो दोस्तों आप पीछे देख भी रहे होंगे बहुत से जो यहाँ पर घूमने के लिए आ रखे हैं, टूरिस्ट आ रखे हैं, उसके लिए फ़ोटो भी ले रहे हैं, तो आप मैं दिखा देता हूँ और आपको नहीं दिखूँगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, तो दोस्तों ये जो चर्च है अभी के लिए बंद है, आप यहाँ बाहर से ही इसका एंजॉय कर सकते हो, इसके अंदर अभी नहीं जा सकते। तो दोस्तों देख यहाँ पर देखो बहुत ही अच्छी और सुंदर चर्च है। अगर दोस्तों आप कभी गोवा आते हो तो चर्च को ज़रूर विजिट करें, चर्च को ज़रूर घूमें, बिल्कुल ही फ़ोटो लेने के लिए टूरिस्ट प्लेस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि पणजी गोवा की राजधानी के अंदर है। दोस्तों अगर आप बस स्टैंड से आते हो तो बस स्टैंड से आप 1 या 1.5 किलोमीटर आपको पड़ेगा, आप चाहे तो पैदल आ सकते हो या उसके लिए आपके पास अपनी बाइक है, बाइक नहीं है तो आप दोस्तों यहाँ पर रेंट 5-10 रुपये में यहाँ पर आ सकते हो।